वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका और एक डिज़ाइन ट्यूटोरियल में। इस साल Adobe XD में काफ़ी नए फीचर आए हैं, उसमें से एक बहुत ही अच्छा फीचर है, वो है हवा एनिमेशन। इससे आप बहुत ही कूल और स्मूथ बटन एनिमेशन बना सकते हैं Adobe XD में बस 5 मिनट में। तो समय व्यर्थ ना करते हो, चलिए देखते हैं कि आप कैसे एक इंट्रैक्शन फीचर हवा एनिमेशन बनाते हैं Adobe XD में। सबसे पहले मैं एक ब्लैंक आउटपुट बना दूंगा, एक रेक्टेंगल मैंने इसमें बनाया है जो हमारा बटन का डिज़ाइन होगा। उसको थोड़ा सेंटर अलाइन कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। इसके जो कॉर्नर्स है उसको हम राउंड कर लेंगे। ये पॉइंट्स को आप अंदर ड्रैग कीजिए और वो एजेस राउंड हो जाएंगे। इसका कलर चेंज करते हैं, बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे, आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं। फिल में कलर में ले लेता हूँ, ये एक कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। एक सिंपल सा एक राउंड शेप का एक बटन का डिज़ाइन हमने बना दिया है। इसको अभी मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, बाय नाउ। इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं, फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, मुझे मॉन्टसेरात काफ़ी पसंद है तो मैं वो यूज़ करता हूँ। चलिए सेलेक्ट कीजिए, फॉन्ट चेंज करते हैं। मीडियम कर लेते हैं, थोड़ा रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, एरो कीज़ का यूज़ करके आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं अप एंड डाउन। बन गया है, इसको बटन के सेंटर में अलाइन कर देते हैं। इस फॉन्ट का कलर भी हम चेंज करके डार्क ब्लैक कर देते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिंपल सा एक बटन डिज़ाइन हमारा बन गया है। इसको ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के लिए सबसे आसान तरीका है कंट्रोल जी कर लीजिए कीबोर्ड से। इस ग्रुप को हम एक नाम भी दे देते हैं। नेमिंग आप हमेशा करते रहेंगे तो फाइल मैनेजमेंट में काफ़ी आसान जाएगा दोस्तों, काफ़ी मदद हो जाएगी। इस ग्रुप को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। इस बटन को सिलेक्ट करके मैं इसके रेक्टेंगल का एक कलर चेंज कर देता हूँ। लाइट कलर थोड़ा यूज़ करता हूँ ताकि जब कर्सर उस पर जाए तो विजिबिलिटी हमें दिखे, क्योंकि जब हमारा माउस का कर्सर उस बटन के पास जाएगा तो नया कोई टेक्स्ट लिख के आएगा, नया बटन बन के आएगा। और टेक्स्ट भी मैं इस बार चेंज कर देता हूँ, लिख देते हैं गेट दिस डी, ठीक है। ग्रुप का नाम भी हम चेंज कर देते हैं डी, ओके। इस ग्रुप को मैं बाय नाउ वाले ग्रुप के नीचे रख देता हूँ, क्योंकि जब हम बाय नाउ पे माउस ले जाएंगे तो हमारा बाय नाउ हटके गेट दिस डी वाला बटन आगे आ जाए। और एक चीज़ मुझे करनी है, जो रेक्टेंगल है उसको मैं डुप्लीकेट करूँगा और उसका एक मास्क बनाऊँगा। उसका मास्क का इस्तेमाल हमें इसलिए करूँगा कि बाय नाउ वाला बटन स्लाइड आउट हो जाए और डी वाला जो बटन है वो स्लाइड इन हो जाए, बट उस समय पर बाय नाउ वाला बटन हमें दिखना नहीं चाहिए, तो मास्क जो है वो हमारा उसे छिपा देगा। तो मैंने रेक्टेंगल का नाम दे दिया है डुप्लीकेट करके। अब मैं तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा एक एक करके और राइट क्लिक करूँगा मास्क विथ शेप, तो हमारा ये मास्क बन गया है। इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। इस मास्क को मैं नाम दे देता हूँ बटन, ठीक है। उसके अंदर देखिए मास्क है, बाय नाउ है, डी ले, तीनों लेयर्स। अभी चलते हैं हवा इफेक्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं कंपोनेंट में जो प्लस साइन है उस पर क्लिक करूँ। डिफ़ॉल्ट में डिफ़ॉल्ट स्टेट क्लिक करके आता है, उसके बाजू में जो प्लस साइन है उसे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद हवर स्टेट हमें दिखेगा, उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेट में एक बटन रहेगा, हवर स्टेट में एक बटन रहेगा। तो सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट स्टेट डिफाइन करते हैं। डिफ़ॉल्ट स्टेट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, बटन ग्रुप में जाऊँगा, बाय नाउ को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट दबा के मैं उसे नीचे ड्रैग करूँगा ताकि उसका सेंटर अलाइनमेंट वही बना रहे। थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे,
डील को सिलेक्ट करेंगे, उसका टेक्स्ट को छोटा कर देते हैं, सेंटर अलाइन कर देंगे और उसकी ओपेसिटी जो है वो ज़ीरो कर देंगे। बाय नाउ ग्रुप को फिर से सिलेक्ट करके मैं वापस उसके पोजीशन पे लेके आ जाता हूँ। बटन पे सिलेक्ट करके देखते हैं डिफॉल्ट स्टेट में हमारा ये पोजीशन रहेगा। अब हॉवर स्टेट में क्या पोजीशन रहेगा वो डिफाइन करते हैं। बाय नाउ नीचे चला जाएगा, एडजस्ट कर लेते हैं, आउटपुट के बाहर नहीं जाना है। डील वाले ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट जो है उसका ओपेसिटी मैं वापस 100% कर देता हूँ और फॉन्ट साइज भी थोड़ा रीडेबिलिटी के लिए बढ़ा देता हूँ और उसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया है हॉवर स्टेट, चेक कर लेते हैं एक बार। बटन ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए, डिफॉल्ट स्टेट करें, हॉवर स्टेट करें। ठीक है, दोनों सही सही हो गया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आगे चलते हैं, प्रोटोटाइप में जाते हैं और देखते हैं कि कैसा बना है। दोस्तों फ़ायदा यह है इस फीचर में कि हमें दूसरा आर्टबोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम आर्टबोर्ड में हम हॉवर स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा फीचर आया है। प्रोटोटाइप में जाते हैं, आर्टबोर्ड सिलेक्ट करते हैं, ट्रिगर हमारा हॉवर है, टाइप हमारा ऑटो एनिमेट है, डेस्टिनेशन हॉवर स्टेट, ईजिंग हम ईजिंग इज आउट कर लेते हैं, ड्यूरेशन 0.6 सेकंड, बहुत अच्छा। चलिए सिलेक्ट करते हैं आर्टबोर्ड और टेस्ट करते हैं कि कैसा हुआ है, ले करके देखते हैं। ये देखिए दोस्त, वाह, बहुत ही कूल एनिमेशन हमारा बन गया है। जस्ट 5 मिनट में हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा एक हॉवरस्टेट एनिमेशन अपने बटन को डिज़ाइन कर दिया है Adobe XD में। दोस्तों अगर कोई और भी तरीके से आपको एनिमेशन करना है तो आप इसको और भी तरीके से एनिमेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने तो इस बार बटन को नीचे लेके आया था, आप साइड में ले जा सकते हैं, लेफ्ट या राइट या अप और डाउन। इस बार मैं बाय नाउ जो हमारा बटन है मैं उसको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, आर्टबोर्ड से बाहर नहीं जाना है, और अरेंज कर लेते हैं उसको, ले करके देखते हैं। ये देखिए सिंपल कूल रखा गया है दोस्तों, बहुत आसानी से हम लोगों ने एक हवा इफेक्ट बनाया है Adobe XD में। आपको और कोई और डायरेक्शन में ले जाना है उस बटन को तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए सिंपल है, ये देखिए मैं लेफ्ट में ले गया और बहुत आसानी से ये बन गया है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने डिज़ाइन दोस्तों के साथ। ऐसे और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस में हर हफ्ते आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।